तो मैं आपका दोस्त सचिन सिंह, आज हम लोग जानने वाले हैं बोतल डिस्पेंसर के बारे में। तो आज हम ओपन कर रहे हैं नया बोतल डिस्पेंसर, जिसको बोलते हैं माइक्रोलिट अल्टीमस बोतल टॉप डिस्पेंसर। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं और इसमें क्या क्या आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। नज़दीक दिखाइए इसमें क्या क्या आता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको मैनुअल आता है इसके अंदर, ऑपरेटिंग मैनुअल, कैरिविएशन कैसे क्या करते हैं, सब आएगा इसके अंदर में। दूसरी चीज़, इसके अंदर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है, देखिए यहाँ पे मल्टी माइक्रो मीटर बोलते हैं, मतलब माइक्रोलिट अल्टीमस डिस्पेंसर बोतल के लिए लगा रहता है। तो इसको कैसे फिट करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इसके साथ में आपका ये मशीन आता है, ठीक है। और उसी तरह इसमें आपका ये आएगा, जो कि इसके अंदर लगा करके इसको बोतल के अंदर फिट करेंगे और इसको कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अभी आपने देखा इसमें अलग अलग साइज़ का बोतल्स का, आपको सबका टॉप का जो बोतल का ऊपर का डिस्पेंसर होता है उसका अलग अलग साइज़ दिया हुआ है, आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने चूज़ किया है एग्जांपल के तहत, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस यूज़ कैसे करना है इसको, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे कहाँ लगाना है, क्या करना है, आइए जानते हैं। तो अभी मैं आपको साइड में इसको रख देता हूँ, थोड़ा नज़दीक लगे। तो अभी क्या मैंने ये निकाला है सिर्फ एक, तो अभी मैं इसको फिट कर रहा हूँ अपने छोटा सा नॉर्मल बोतल में। कोई भी बोतल हो यूज़ कर लीजिए, इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। ग्लासवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है आपका, ये देखिए, ये जो आपका उसके अंदर लगाना है, इसको अंदर फिट करना है। ये लीजिए, फिट हो गया, ठीक है। और इसको आपको इसके अंदर में डाल देना है, इसको इसके अंदर में डालना है, ठीक है। और डालने के बाद ये जो है अच्छी तरह से इसको घुमा घुमा के इसको टाइट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा हो गया फिट, ये हो गया मेरा फिट, अच्छी तरह से एकदम फिट कर देना है, ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ जानते हैं जानकारियाँ। ये आपका, आप जब आप लोग सोच रहे होंगे ये 10 क्या है, 8 क्या है, 6 क्या है, 4 क्या है, 2 क्या है, तो इसमें क्या है कि आपका ये जो है सेट पॉइंट है, इसको लूज कर सकते हैं। देखिए लूज हो गया है ना, और ये ऊपर लूज करने के बाद ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये कहीं रुकेगा नहीं। लेकिन अगर मुझे सपोज रोकना है तो इसको टाइट करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। और दूसरी बात, आप मान लीजिए हमको इसमें लगाएं तो इसको यूज कैसे करें। तो मान लीजिए सपोज डेट सीमेंट इंडस्ट्री हो, या कोई भी केमिकल कंपनी हो, या आपका कोई लेबोरेटरी हो, तो उसमें हमको सपोज डेट 10 ml लेना है, 5 ml लेना है, 2 ml लेना है, उसके लिए यहाँ पे दे दिया हुआ है कितना ml क्या लेना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, हम मान लीजिए सपोज डेट मैं इसको 8 पे किया, ठीक, 8 पे किया, राइट, और मैं इसको टाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें ये मेरा ओपन, ये जो है ओपन कर है, अभी मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ और ये ओपन माउथ भी कर सकता हूँ। इसका ये लॉक दिया हुआ है, अगर बाद में नहीं यूज़ करना है तो आप इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको लॉक इन ओपन कर देना है। अब मैं इसको यूज़ करूँगा, सपोज मुझे 10 ml लेना है कोई चीज़ में, तो अभी मैं बता देता हूँ कि 10 ml कैसे लेना है। तो सपोज डैट मैं अभी 8 पे सेट किया हूँ, अब इसको मैं ऊपर खींचूँगा, ऊपर की ओर खींचूँगा, ठीक है। तो जितना इसमें पानी आया रहेगा उस पानी को मैं इसमें वेट कर लूँगा। देखिए जो भी पानी आएगा तो इस तरह से क्या होगा, इसमें पानी का मात्रा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने तो 8 पे सेट किया है, नॉर्मली मैं आपको अभी कैलिब्रेट नहीं किया हूँ, इसलिए आपको इसमें अभी कम पानी आया है। तो इस तरह से आपको कैलिब्रेट करेंगे 2-4 बार। सपोज डेट मैं अभी 10 पे ले लेता हूँ, ठीक ठीक है। इसको एकदम अच्छा से टाइट करना है, याद रहे, नहीं तो पानी नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए पानी फुल हो गया, पास में दिखाइए थोड़ा, अभी एक बार किए पानी फुल हो गया। अभी मैं इसको देखिए पानी को मैं इसमें लूँगा फिर से, अगेन ये रहा 10 ml का मैंने लिया है, अभी मैं पानी थोड़ा बाहर आ गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9.5 ml के आसपास में मेरा आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको पहले कैलिब्रेट कर लेंगे कि मेरा 10 ml, 5 ml, 8 ml कितना पे आ रहा है। तो उसको जो है कैलिब्रेट करने के बाद आप इरर निकाल लीजिए और तभी यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये डिस्पेंसर है, ऑटोमेटिक डिस्पेंसर, और इससे जो है इसी तरह से इसको यूज़ किया जाता है। ज़्यादा करके जो 2 ml, 5 ml, 10 ml लेते हैं, डिफरेंस
करने के लिए, उसके लिए ये यूज़ करते हैं और यूज़ करने का प्रक्रिया यही है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।